Hi friends, welcome to my today's video. So today I will do the exercise 3.2 of Maths Science in Danica Learning Book 6 3 Wise Tradition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, सबसे पहले हम करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 के साथ. सो ये कैसे चेक करते होते हैं? सो 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो हमारा रूल होता है वो है कि जो भी हमारा नंबर हो, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1008. ओके, सो उसकी वंस डिजिट जो हो वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से हो. जैसे कि इसकी 8 है, मतलब कि ये डिविजिबल है. मैं यस एंड नो लिख दूंगा. यस का मतलब डिविजिबल एंड नो का मतलब नॉट डिविजिबल. सो यहाँ पर 0 है एंड वंस डिजिट में 0 होना चाहिए था. सो इसका हम क्या लिखेंगे? यस. ये 5 है, 5 इस लिस्ट में नहीं है. सो इसका आप लिखेंगे नो. अब ये 2, 4, 5, 2, 6 मतलब 24,526, इसमें 6 है. सो ये इस लिस्ट में आता है. सो हम यहाँ पर लिख देंगे यस. एंड उसके बाद अब इसमें 7 है, 7 इस लिस्ट में नहीं आता है. सो हम यहाँ पर लिख देंगे नो. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. सो इसमें हमने ये चेक करना है कि क्या ये नंबर्स जो हमें दिए गए हैं ये 3 से डिविजिबल है. सो 3 से डिविजिबल होने का जो रूल होता है वो है When sum of digits is divisible by 3, अगर जो हमारे digits वाले sum हो, जैसे कि एक number वाले लेते हैं, हम वाले लेते हैं 1008 ही, जैसे कि 1008 है. ओके, सो 1008 के digits को plus कर देते हैं. अब सो कितना आ जाएगा? 1 + 0, 0 की वैल्यू नहीं है, 1 + 8 जो कि आ जाएगा 9. अब देखो 9 क्या 3 से divisible है? Yes, 9 3 से डिविजिबल है, वो भी 3 पर. मतलब कि ये जो 1008 है उस पर 3 डिविजिबल है. सो वैसे ही अब हमने कर रहे हैं ये वाले पार्ट्स 7, 4, 9, 1, 2, इन सभी को प्लस कर देंगे सबसे पहले चेक करने के लिए 3 से डिविजिबिलिटी. 7 + 4 = 11, 11 + 9 = 20, 20 + 1 = 21, 23. सो 23 3 से डिविजिबल नहीं है. मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नॉट डिविजिबल यानी नो. सो यहाँ पर बी पार्ट है, बी पार्ट में इन सभी को प्लस कर देते हैं. 9 + 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 + 1 = 15, 15 + 3 इन दोनों को प्लस कर कर 3, 18. अब देखो जो 18 है वो डिविजिबल है 3 से. सो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? डिविजिबल यानी यस. वैसे इसको प्लस कर देते हैं, 8 यहाँ पर आ गया एंड 3 8 के साथ प्लस कर दिया, 11 आ चुका है. 11 नॉट डिविजिबल है, सो नो. 1 + 7 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 4 = 14, 14 + 4 = 18, 18 3 से डिविजिबल है यानी यस. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है. सो थर्ड क्वेश्चन भी हमने इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लिया कि क्या ये डिविजिबल है 6 से. सो 6 की डिविजिबल का 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, सबसे पहले हमें 2 एंड 3 से इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. अगर वो पास हो जाए, अगर दोनों पर यस हो जाए, मतलब कि वो डिविजिबल है 6 से. सो सबसे पहले हम करेंगे किससे? 2 के साथ. 2 यहाँ पर 0 है, मतलब कि 2 का तो आ चुका है यस. अब देखो 3 है, 3 + 4 = 7, 7 + 9 = 16, 16 + 2 = 18 and 18. अब देखो 18 है वो भी 3 से, 18 / 3 = 6 पर आ जाता है. सो ये भी यस हो जाएगा. मतलब कि ये दोनों पर यस यस है. सो मतलब 6 पर भी यस होगा. यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, मैं किसी और जगह पर यहाँ पर 6 से ये डिविजिबल है. सो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट का 2 है, 2 से वो डिविजिबल है यस.
थ्री का देख लेते हैं, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15, एंड 15 थ्री के टेबल के ऊपर आता है, यस वो भी 5 पर, एंड यहाँ पर आ जाएगा यस, मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल है। अब ये वाला 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है, वे 3 का चेक करने की जरूरत नहीं है, सो ये मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अब ये वाला 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये 6 से डिविजिबल भी नहीं है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 4 के साथ। सो अगर हमने 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, सो हमारा रूल क्या होता है, इफ लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट टू डिजिट डिविजिबल हो 4 से, जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल ली थी 1008, सो मैं उसके लास्ट टू डिजिट ले लेता हूँ जो कि है 08, मतलब कि 8 ही अकेला मान सकते हैं, सो मतलब 8 4 से डिविजिबल है, वो भी 2 पर, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा यस, मतलब डिविजिबल। सो वैसे ही अब हम करेंगे लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट 56, एंड दिस इज, ये 4 से डिविजिबल है, इसकी 68 है, ये भी डिविजिबल है, यस। 86 डिविजिबल नहीं है क्योंकि 84 है एंड 88 है उसके बाद, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा नो, 28 है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या कर रहे हैं, जो कि इनके डिविजिबिलिटी चेक कर रही है 8 के साथ, अगर ये डिविजिबल है 8 के साथ, सो वो कैसे चेक करते होते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एरोस डाल देता हूँ जिससे हम पता चल सके। सो यस, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर आखिरी वाले 3 डिजिट जो होते हैं 1s, 10s and 100s, ये तीनों डिजिट्स 8 के साथ एक साथ मिलकर फॉर्म्ड, सो एक साथ मिलकर अगर डिविजिबल हो 8 से, सो वो होते हैं, पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा 8 से, जैसे कि 888 है, सो 888 8 से डिविजिबल है ना, यस, सो यहाँ पर आ जाएगा यस, ये पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। सो यहाँ पर 32 है, 0 32 32, 8 से डिविजिबल है, सो यहाँ पर आप लिख देंगे यस। यहाँ पर 282 है, यहाँ पर हम लिखेंगे नो क्योंकि 282 नहीं है। यहाँ पर 128 है, 128 है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे यस। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये दो क्या ये सभी नंबर्स डिविजिबल है 5 and 10 से। अब देखो, सबसे पहले मैं 5 का रूल बता देता हूँ, 5 से डिविजिबिलिटी का, इफ वंस नंबर इज 5 और 0, अगर जो वंस की प्लेस पर नंबर आता हो वो 0 हो या 5 हो, या अब मैं 10 का बता देता हूँ, अगर जो हमारा वंस नंबर पर वो हो, हमारा नंबर वंस डिजिट पर वो हो हमारा अकेला 0, यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ था बट 1 नहीं, अकेला 0, जो कि 0 हो, जैसे कि यहाँ पर है ये 0 है, सो मतलब कि ये 10 से डिविजिबल है। सो चलो आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ए से 5 है, देखो जो 5 है, 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते होते हैं, आखिरी वाला डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, मतलब कि वंस वाला, सो ये 5 है, मतलब कि यस, एंड 10 की चेक कर लेते हैं, 10 में आखिरी में 0 आना चाहिए होता, मतलब कि ये नहीं है, एंड 68,590 ये 5 से भी है एंड ये 10 से भी है, एंड अब ये वाला 5 से है बट ये 10 से नहीं है क्योंकि आखिरी में 0 नहीं है, एंड ये वाला 5 से है नहीं है एंड 10 से भी नहीं है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा 7th क्वेश्चन है। सो इसमें हमने चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू दिस। सो इसका रूल क्या होता है, इफ द डिफरेंस ऑफ लास्ट डिजिट, जो लास्ट हमारी होते हैं वंस डिजिट, जैसे कि 2 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4, विद द रिमेनिंग डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। जो अगर हम जो हमारे ये वाले डिजिट्स हो रिमेनिंग वाले, ये 4 डिजिट्स इस नंबर में ऐसे मान लो, एंड उसको हमने माइनस कर दिया, जो हमारा आखिरी वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ, सो अगर हमारा आंसर
सेवन से डिविजिबल आया, मतलब कि वो डिविजिबल है। सो वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम टू ले लेते हैं, टू मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा फोर, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा 1082 माइनस फोर इज इक्वल टू 1078 एंड ये होता है डिविजिबल। यस, सो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। सो यहाँ पर ये जो है इसका सेवन है उसको 14 ले लेंगे एंड 627 में से 14 माइनस कर देंगे जो कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 613 जो भी हो जाएगा नो। सो अब वैसे ही अब हम नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट 32968। सो इसका 8 ले लेंगे 16 आ जाएगा। सो 32,096 जो कि हो जाएगा माइनस 16, हमारा आंसर आ जाएगा 3280 जो कि हमारा आंसर होगा नो। सो अब ये है, यहाँ पर टू है, फोर माइनस कर देंगे इसमें से 1285 माइनस फोर जो कि हो जाएगा 1281 एंड ये है डिविजिबल सेवन से। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं हमारे एट्थ क्वेश्चन। सो एट्थ क्वेश्चन में हमने डिविजिबिलिटी चेक कर ली है 11 के साथ। इफ डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस इज जीरो और डिविजिबल बाय 11, मतलब कि जो डिफरेंस होगा सम ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस। सो इवन एंड ऑड प्लेसेस कैसे ढूंढते हैं, सबसे पहले ये बता देता हूँ। जो हमारा वन डिजिट होता है वो उसको हम इवन ले लेंगे सबसे पहले, तो उसको इवन ले लेते हैं, उसके बाद ऑड, उसके बाद इवन, उसके बाद ऑड, उसके बाद इवन, ऐसे कर सकते हैं। वंस प्लेस को हमने हमेशा इवन लेना है और उसके पीछे पीछे जाना है इवन ऑड का बनाते हुए ये पैटर्न। एंड अब जो कि ये है, या तो वो जो माइनस अब इवन वालों को प्लस कर कर माइनस कर दिया एंड ऑड वालों से, सो हमारा आंसर आना चाहिए या तो जीरो या आना चाहिए डिविजिबल बाई 11 जो 11 के टेबल में आ सके। सो फर्स्ट तो हमारा इवन है, दूसरा ये वाला हमारा इवन है, इसको हम गिनेंगे नहीं, जीरो है। सिक्स एंड थ्री हमारा इवन है, सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाता है 9, ये इवन का थे जो मैंने इवन वाले किए। सो अब मैं करता हूँ ऑड वाले। ऑड वाले कौन से हैं, वन एंड एट, सिर्फ और सिर्फ वन एंड एट, वन प्लस एट जो कि हो जाएगा 9। अब देखो 9 माइनस 9 कर देना है जो कि हमारा कितना आंसर आएगा जीरो, मतलब कि ये है डिविजिबल 11 से, क्योंकि यहाँ पर लिखा होता या तो वो आंसर जीरो होना चाहिए या वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। सो वैसे ही हम अब हम करते हैं हमारा बी पार्ट। सो बी पार्ट जो कि है हमारा वो है 32,076। सो इसमें हमने क्या करना है, इवन ऑड, इवन ऑड वैसे सर्कल बना लेंगे, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन, बस ऐसे मैंने फोर लगा दिया यहाँ पर। सो ऐसे, सो सिक्स प्लस ज़ीरो, ज़ीरो कुछ मानेंगे नहीं, सिक्स प्लस थ्री कर लेते हैं, सिक्स प्लस थ्री जो कितना हो जाएगा ज़ीरो जो कि हो जाएगा 9 एंड 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। सो 9 माइनस 9 0, मतलब कि ये है डिविजिबल 11 से। वैसे ही अब हम करते हैं हमारा सी पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा सी पार्ट है। सो इसमें हम सबसे पहले इवन नंबर्स को करेंगे जो कि इवन है 8 प्लस 9 जो कि हो जाएगा 17, 17 प्लस 4 21। सो इवन है हमारे 21 एंड ऑड हैं जो हमारे वो हैं 2 प्लस 6 10 प्लस 2 12 जो कि अगर हम इन सभी को करें, वेट 2 प्लस 6 कितना हो जाता है हमारा 8 एंड 8 प्लस 2 10, यहाँ पर 10 आएगा, 21 में से 10 माइनस कर देना हमने जो कि हमारा आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आ जाएगा 11। 11 11 से डिविजिबल है, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा यस। सो अब हम करते हैं हमारा डी पार्ट। सो डी पार्ट क्या है, 264,851। सो यहाँ पर इवन ऑड, इवन ऑड, इवन एंड ऑड, अब देखो इवन की जगह पर 1 प्लस 8 जो कि हो जाएगा 9, 9 प्लस 6
15. सो यहाँ पर आ जाएगा कितना, इवन के कितने हैं 15. एंड उसके बाद अब हम करते हैं ऑड के, 5 + 4 9 9 + 2 11, जो हमारा ऑड आया है वो है 11. 15 - 11 कितना हो जाएगा 4, जो कि मतलब कि ये डिविजिबल नहीं है. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 9th क्वेश्चन है. सो इसमें हमने ये जहाँ पर स्टार है वहाँ पर एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लगाना है जो कि इस नंबर को बना दे डिविजिबल 11 से. सो इवन एंड इवन, सबसे पहले इवन एंड इवन का कर देते हैं जो कि आ जाएगा 9, 3 + 6 जो कि हो जाता है 9. अब देखो ऑड का भी 9 आना चाहिए क्योंकि वो बनना चाहिए 0 हमारा. अब देखो 9 जो है वो 11 से बड़ा तो है नहीं, अगर बड़ा होता सो हमारा उतना आना चाहिए था, 11 से बड़ा आ जाता या 11 से छोटा भी आ सकता था वैसे, बट इस बार हमारा 9 है, 9 11 से छोटा है सो हमने इसको 0 बनाना है. सो वो हो जाएगा ऑड जो कि हो जाएगा 5 + 4. देखो 5 + 4 मतलब कि 9 - 5 + 4 जो कि है ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0. सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको भी हमें 9 बनाना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 4. स्टार की जगह पर आ जाएगा 4, मतलब कि स्टार इज इक्वल टू 4. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा बी पार्ट है. सो बी पार्ट में हमने क्या करना है, वैसे ही जैसे कि पिछली बार में स्टार ढूंढना था हमने इस बार भी स्टार ढूंढना है. सो इवन है जो 6 है, ऑड 8, इवन स्टार ऑड 2, इवन 7. सो वैसे अब इवन वालों को सबसे पहले हम प्लस कर लेंगे. देखो 6 + 7 + star जो कि कोई नंबर आएगा वो अभी हम ढूंढते हैं. एंड 6 + 7 जो कि है 6 + 7 वो दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, 6 + 7 नहीं 2 + 8, ये हैं इवन वाले जो कि दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं 10. मतलब कि 10 एक नंबर से माइनस कर रहे हैं जिससे हमारा आंसर या तो 11 आए या आए हमारा जो कि 0 आए या 11 आए. सो अब देखो यहाँ पर 6 + 7 तो 13 हो ही जाएगा, 13 में से में हमने स्टार प्लस करना है. सो हम ऐसा नंबर प्लस करेंगे जिसमें से 10 हम माइनस करें सो हमारा आंसर 11 आएगा क्योंकि 11 ही आ सकता है. सो हम कर देंगे इसमें प्लस 8, स्टार को ले लेंगे हम 8, 13 + 8 जो कि हो जाएगा 21. एंड अब 21 माइनस जो 10 था हमारा, माइनस 10 जो कि हो जाएगा 11. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा सी पार्ट है. सो इसमें हम सबसे पहले पिछली बार के जैसे ऑड वाले कर लेते हैं, पिछली बार भी हमने पहले ही इवन वाले कर लिए थे बट इस बार हम ऑड वाले कर लेंगे. ऑड वाले 7 + 9 जो कि हो जाएगा 16. एंड और इवन जो है अब वो इवन है 1 + star + 3, 1 + star यहाँ पर 1 आएगा, 1 + star + 3 जो कि अब देखो 4 + star हो जाएगा, 4 + star ऐसा माइनस करना है 16 में से सो कि हमारा आंसर आ सके 4 + कि मतलब कि हमारा आंसर 11 आ जाए. 11 की आएगा, 0 आ नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा हम नंबर ले नहीं सकते हैं. सो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेते हैं जो कि 1 + 4 कितना हो जाएगा 5. सो आखिरी में हो जाएगा 16 - 5 जो कि हो जाएगा 11. ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स अब ये हमारे 9th क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है. सो इसमें हम इवन जो कि है ऑड, एक ऑड नंबर की जगह पर स्टार है सो सबसे पहले हम इवन कर लेते हैं. इवन वाले क्या हो जाएंगे, 5 + 4 + 3, 5 + 4 9, 9 + 3 12, यहाँ पर 12 आ चुका है. सो ऑड कितना हो जाएगा, 4 + star जो कि होना चाहिए, या तो देखो वो होना चाहिए 12 या वो होना चाहिए 1. अब देखो 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 क्यों होना चाहिए था, क्योंकि उससे 11 आ जाता था. अब वो 12 होना चाहिए सो इसका आंसर आ जाएगा 12. सो हम स्टार को क्या लेंगे, स्टार को हम ले लेंगे 7. स्टार इज इक्वल टू
7, मतलब कि 4 + 7 इज इक्वल टू 12। एंड आखिर में क्या हो जाएगा हमारे सोल्यूशन में, 12 - 12 जो कि हो जाएगा 0। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। ओके सर फ्रेंड्स, अभी हमारा 10th क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन। सो इसमें हमने क्या करना है, जो कि इसमें हमने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 1728 की 8 एंड 9 से। सो वो क्या हो जाएगा 1728, जो कि देखो 8 है, अगर लास्ट 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर लास्ट 3 डिजिट्स फॉर्म्ड जो कि हो वो हो 8, जो कि हो जाएंगे जैसे कि 17, मतलब कि इसमें लास्ट 3 डिजिट्स कौन सी है, 728। एंड 728 को अब हम इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेते कि क्या ये 8 के 8 में आ जाता है। सो इसका आंसर होगा यस, मतलब कि ये है डिविजिबल 8 से, तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक हो चुकी है। सो अब हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इफ़ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, जैसे कि 3 वाला होता है, बस 3 में डिविजिबल बाय 3 देखना होता है, एंड इसमें 9 से देखना पड़ेगा। 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18। सो 18 9 के टेबल के ऊपर आ जाता है, 2 के ऊपर। सो जो कि 9 के साथ भी इसकी डिविजिबिलिटी है। ओके सर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाय बाय।